मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गिलगित बल्तिस्तान में 12 नवंबर को होने वाले इलेक्शन की भरपूर तैयारियां कर रही है। 20 हकपरस्त उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आवाम की जानिब से क्या पजीराई मिल रही है, देखते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी एसएम शकील की यह रिपोर्ट। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गिलगित बल्तिस्तान के 12 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में भरपूर तैयारियां कर रही है। एमकेएम के अराकीन इलाका कमेटी, अराकीन कौमी असेंबली, असेंबली के अरकान समेत मुतअद्दिद शोबा जात के कारकुनान दिन रात इलेक्शन की तैयारियों में मौजूद अमल नजर आते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन के फिक्र फलसफे को जहां मुल्क भर में पजीराई हासिल हुई है, वहां गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भी भरपूर तरीके से वेलकम किया है। बल्तिस्तान और सैंडूस और इन इलाकों से जो मुनक्किला है वहां के रहने वाले अवाम से पर जोर अपील करूंगा कि देखें गुज़िश्ता 60-62 सालों से आप मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों को आजमाते चले आए, बातें सब गरीबों की करते हैं, बातें सब बड़े बड़े दावों के साथ ही करते हैं कि हम अवाम के मसाइल नहीं करें, लेकिन इकतदार में आने के बाद वो अपने मसाइल को ही करते हैं, अवाम के मसाइल नहीं। गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एमकेएम ने 20 उम्मीदवारों को इलेक्शन में नामजद किया है। बड़े बड़े इंतखाबी जलसे और रैलियां, कॉर्नर मीटिंग एमकेएम की खिदमत बराए सियासत को आगे बढ़ा रही हैं। अगर गरीबों के इतने अंदर जमाते होती तो अपनी अपनी जमात के कारकुनों को जो गरीब हैं लेकिन बासलाहियत है, काबिलियत रखते हैं, उनको भी टिकट देती। वाहिद मुल्क की जमात है एमक्यूएम जिसमें पाकिस्तान की राशन सारा तारीफ सबसे पहले अगर असेंबलियों में चाहे वो सैनेट का अहवान हो चाहे वो कौमी असेंबली का अहवान हो। एमकेएम ने गिलगित बल्तिस्तान में भी मकामी लोगों को हकपरस्त उम्मीदवार नामजद किया है और इनका इंतखाबी निशान पतंग है। इंतखाबी मुहिम के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों की पजीराई कर रहे हैं वो एमकेएम के फिक्र फलसफे की हिमायत करते नजर आते हैं। एसएम शकील, एआरवाई न्यूज।